नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों की। अभी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से भारत जूझ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स अब तीसरी लहर आने का अंदेशा भी जताने लगे हैं। तीसरी लहर आएगी, इस बात को अभी तक सारे एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं, लेकिन कब तक आएगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर विजय राघवन ने बुधवार को कहा कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोरोना वायरस के वेरिएंट लगातार बदल रहे हैं, इसलिए हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन प्रभावी है, लेकिन वैज्ञानिक इसको अपग्रेड करने पर भी लगातार काम कर रहे हैं। तीसरी लहर कब तक आ सकती है इस बारे में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरधर बाबू कहते हैं कि इसके ठंड में आने की आशंका है, नवंबर के आखिरी में या दिसंबर की शुरुआत में। इसलिए संक्रमण में जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत है। डॉक्टर गिरधर कर्नाटक में नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर और एडवाइजर भी हैं। वो कहते हैं कि अगली लहर युवा आबादी को प्रभावित कर सकती है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि तीसरी लहर तीन फैक्टर पर निर्भर करती है। पहला तो ये कि दिसंबर तक हम कितने लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, दूसरा हम सुपर स्प्रेडर इवेंट को कितना रोक पाते हैं, और तीसरा ये कि हम कितनी जल्दी वायरस के लिए वेरियंट्स की पहचान कर पाते हैं और उसे रोक पाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सीईओ अदा पूनावाला उनके परिवार को जेड प्लस सुरक्षा की मांग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में की याचिका दायर हुई है। पूनावाला ने हाल ही में दावा किया था कि उन्हें कोविड वैक्सीन के लिए बड़ी संख्या में फोन कॉल्स आ रहे हैं और उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। ये दावा उन्होंने अपने परिवार के साथ लंदन पहुंचकर किया था। अब याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि अदार पूनावाला को जो धमकियां मिली हैं उसके आधार पर उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी जानी चाहिए, सीरम संस्थान और उनकी संपत्तियों की रक्षा की जानी चाहिए, साथ ही राज्य सरकार को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की भी मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अदार पूनावाला को वाई श्रेणी सुरक्षा पहले से ही मिली हुई है। बता दें कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड को इजाजत दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट जिस कोविशील्ड टीके को बना रहा है उसके लिए रिसर्च ब्रिटेन सरकार की मदद से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया गया था। वहीं जर्मन एस्ट्रोनॉजिका कंपनी ने उसका व्यवसायीकरण किया था, जिसके बाद भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को उसके व्यापक उत्पादन में साझेदारी बनाया गया। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार हर संभव कोशिश में जुटी है, बावजूद अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। संक्रमण से निपटने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। कई राज्यों की सरकारों ने तो इस महामारी से निपटने के लिए अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया, तो कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का सहारा लिया है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए क्या क्या पाबंदियां जारी की है। एक नजर उन राज्यों पर डालना जरूरी है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में यहां 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। आदेश के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन 10 मई तक जारी रहेगा। बिहार में 4 मई से लेकर 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस दौरान जरूरी सेवाओं को इससे दूर रखा गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सप्ताहांत लॉकडाउन के अलावा राज्य में 10 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। हरियाणा में 3 मई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इससे पहले 9 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। ओडिशा में 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन है, यानी राज्य में 14 दिन के लिए लॉकडाउन लगा गया है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गई हैं। कर्नाटक में फैसला लिया गया है कि 12 मई तक लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन 27 अप्रैल से ही जारी है। झारखंड में कोरोना से निपटने के लिए हेमंत सरकार ने 22 अप्रैल से 6 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। गुजरात में 29 शहरों में रात्रि कर्फ्यू जारी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर जमा होने की बनाई है। महाराष्ट्र में राज्य में कोरोना से जुड़े पाबंदियों को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इस चेन को ब्रेक किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं जो वाकई चिंताजनक होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।